हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की खीर, जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो आइए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे पैन और उसमें 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। अब मैंने लिए हैं थोड़ा सा सूखा गोला, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसी तरह से थोड़े काजू, चिरौंजी और बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद के कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो पहले हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे 1 कटोरी मूंग की धुली दाल, जिसको कि मैंने पहले कपड़े पर डालकर साफ कर लिया है, ताकि इसका जो पाउडर हो वो अलग हो जाए। अब इसको घी के साथ हम भून लेंगे, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होती है और इसका कलर चेंज नहीं होता है। मुझे इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देखोगे कि घी अब शांत होने लगा है, कोई बुलबुले नहीं उठ रहे हैं इसके अंदर और दाल का कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और दाल को अच्छे से मिक्स करके इसको हम पका लेंगे, जब तक कि दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती है। ऊपर से लिड लगा देंगे और 10 मिनट हम इसको इसी तरह से पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप चेक करके देखते हैं, दाल हमारी अच्छे से गल गई है। और आप देखेंगे कि दाल एकदम घुटी नहीं है, अभी इसमें दाना है। तो दाना इसलिए है क्योंकि हमने इसको पहले भून लिया था। तो दाल हमारी गल तो चुकी है बट घुटी नहीं है, तो हमें ठीक इसी तरह की दाल चाहिए थी। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 छोटी इलायची, जिसको कि मैंने कूट लिया है, फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, सबको बॉईल कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाएं। खीर में उबाल आने लगा है तभी हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम दाल ली थी तो उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। अब इसको 5 मिनट हम और अच्छे से बॉईल होने देंगे। ऊपर से लिड लगा देते हैं। खीर हमारी अच्छे से बॉईल होने लगी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट हम इसको इसी तरह से रखा रहने देंगे। आप देखोगे कि खीर अब हमारी बिल्कुल गाढ़ी होने लगी है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है। तो बस अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चाहे तो आप फ्रिज में रखकर ठंडी भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो पहले बर्तन में निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।